रोहित शर्मा को आईपीएल में मुंबई की कप्तानी से हटाने के बाद रितिका ने यानी कि रोहित शर्मा की पत्नी ने दिया बहुत ही बड़ा चौंका देने वाला बयान। तो इस बयान को सुनते ही नीता अंबानी ने जो कहा है रोहित शर्मा और उनकी पत्नी के लिए, जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। यमाई की 10 साल से कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा को एक ही झटके में यमाई ने निकाल फेंका तो रोहित शर्मा काफी ज्यादा भावुक हो गए। पहले से ही उन पर दुखों का पहाड़ टूटा था क्योंकि वर्ल्ड कप में उनको हार का सामना करना पड़ा था और इस बार जो है यमाई की कप्तानी से बाहर निकाले जाने पर रोहित शर्मा काफी ज्यादा टूट गए। उनके साथी भी काफी ज्यादा मायूस थे, लेकिन रोहित शर्मा की पत्नी जो है रितिका ने काफी बहुत ही बड़ा चौंका देने वाला बयान दिया है, जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों के तले जमीन खिसक जाए। रितिका की बात सुनकर जो है नीता अंबानी ने और सूर्य कुमार यादव ने भी बहुत ही बड़ी बात कही है, जिसको आपको सुनकर के जाना ही पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। पहली बार गुस्से में बोली पत्नी रितिका ने दिया बड़ा बयान। आप सभी को बता दूं कि रोहित शर्मा काफी समय से कप्तानी कर रहे थे यमाई की, और मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान भी रहे। इन्होंने 5 ट्रॉफी यमाई को जिता के दी आईपीएल की और उसे काफी तगड़ी सक्सेस पर पहुंचाया, लेकिन वही यमाई ने रोहित शर्मा को धोखा दिया और एक ही झटके में रोहित शर्मा को बाहर निकाल फेंका और रोहित शर्मा की जगह एमआई का कप्तान हार्दिक पांड्या को बना दिया। हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा खुश है और मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा के कप्तानी से निकलने के बाद रोहित शर्मा के लिए काफी बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। यहां तक कि कई दिग्गज खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा हमारी टीम से आकर के खेलें, हम इतने करोड़ रुपए देंगे। कौन कहता है कि आईपीएल 2024 का खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का ही मशहूर है जो है रकम में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा के आगे सब फेल हो गए हैं। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा को महेंद्र सिंह धोनी लेना चाहते हैं अपनी टीम में, चेन्नई की टीम, आरसीबी की टीम, किसी भी टीम में जा सकते हैं रोहित शर्मा, पर अब एमआई की टीम से नहीं खेलेंगे। रितिका और अंबानी साहब यही जोर लगा रहे हैं कि किस तरीके से जो है रोहित शर्मा जो एमआई की टीम से खेलें, लेकिन अब एमआई ने एक बार निकाल दिया है तो रोहित शर्मा दोबारा उस टीम में जाना पसंद नहीं करेंगे। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा हो सकता है कि आरसीबी में जाएं या हो सकता है कि चेन्नई की टीम से खेलें, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने कहा है कि जिस तरफ रोहित शर्मा जाएंगे हमारे सीनियर कप्तान हम उन्हीं की साइड में खेलेंगे, हम हार्दिक पांड्या के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। रोहित शर्मा एक विस्फोटक बल्लेबाज और एक दिलहर कप्तान है, हम उसके साथ खेलते हैं तो बेझिझक खेलते हैं, हम रोहित शर्मा के साथ खेलना पसंद करेंगे, ना ही कि हार्दिक पांड्या के बाद। और ये एमआई की काफी बड़ी गलती है और ये भूल भी एमआई ने की है, एमआई को रोहित शर्मा से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि रोहित शर्मा एक दिग्गज बेहतरीन कप्तान है, रोहित शर्मा ही एमआई का कप्तान होना चाहिए था। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि एमआई का कप्तान कौन होना चाहिए, हार्दिक या रोहित। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।